उकलाना के अग्रवाल सेवा सदन में बेटी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बहन वीना अरोड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वेयरहाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीनिवास गोयल ने की। भाजपा पार्टी के युवा नेता पंकज बिठमड़ा द्वारा आयोजित बेटी सम्मान समारोह में उकलाना की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान पाने वाली बेटियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उकलाना क्षेत्र के सरकारी एवं निजी स्कूलों की कक्षा 10वीं व 12वीं में टॉप अंक प्राप्त करने वाली बेटियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंची मुख्य अतिथि वीना अरोड़ा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक पंकज बिठमड़ा व उनके परिवार द्वारा शॉल भेंट करके वीना अरोड़ा को सम्मानित किया गया। इस मौके पर निगरानी कमेटी के चेयरमैन सहित उकलाना के अनेक स्थानीय भाजपा नेता और विभिन्न स्कूलों के चेयरमैन और निदेशक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की बहन और उकलाना में बेटी सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि वीना अरोड़ा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटियों ने आसमान छू लिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बेटियों ने गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया है। वीना ने कहा कि भाजपा सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर बेटियों को सम्मान देने का काम किया है। स्वागत करती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। जैसे कि महिलाओं के ऊपर ये प्रोग्राम है, वुमेन एम्पावरमेंट है, आज महिलाएं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो। और अभी अभी जब इसे चंद्रयान 2 के अंदर जो हमारी जो दो साइंटिस्ट सबसे जो उसको फॉलो कर रही थी, आगे ऐड कर रही थी, वो भी हमारे इंडिया की दो साइंटिस्ट थी जो चंद्र अभियान 2 चला, तो उसने नरेंद्र मोदी जी ने उनका जो दिल से स्वागत किया। तो मैं उन सभी वुमेन एम्पावरमेंट को हार्दिक बधाई देती हूँ कि बेटी जो होती है, एक बेटी होती है पहले, एक बहन होती है, एक पत्नी होती है और फिर एक माँ होती है। तो माँ शब्द से तो सभी के मेरे में रोंगटे उठ जाते हैं, बिना उसके कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। तो जब हम माँ के बगैर वंचित रहते हैं तो हम बेटियों को क्यों मारें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और लाड़ा वासियों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बेटियों के सम्मान में समारोह रखा। और आज कल जैसे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पिछले 5 साल से जैसे बड़ी शीर्ष पे पहुंचा हुआ है बेटियों की एम्पावरमेंट के लिए, हर तरह से बेटियों के लिए, चाहे सोशल हो, चाहे लीगली हो, चाहे कोई भी राइट हो, तो आजकल उनका सबसे पहले समाधान होता है। तो यहाँ पे पहुंचने पर मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज आप उकलाना क्षेत्र में पहुँचे हैं, एक ये कार्यक्रम हुआ है कि यूथ जो उकलाना का आगे बढ़ रहा है, तो किस प्रकार से आप आज यहाँ पर बताएंगे? हाँ, आज के यूथ का तो मेन ये है कि आज के यूथ जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ये कल के हमारे भविष्य हैं और यूथ को मैं शुभकामनाएँ देती हूँ। इसी तरह से ये लोग चलते रहे ताकि हमारे देश का भविष्य भी सुरक्षित हो, और ख़ास करके हरियाणा का जहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी पहले लड़कियों के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, आज हर चीज़ जो ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। जो हमारा आज का युवा है बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही समझदार है और बहुत ही इतना है उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो अपनी चीज़ को चुन सके। और इसी तरह से जो मैं आज के युवा आगे बढ़ते हैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ, इसी तरह से बढ़ते हैं हमारे समाज का भविष्य उज्ज्वल रहेगा। कई बार देखने में आता है कि बेटियों के साथ बहुत सारी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप, इस तरह का जो रेशो बढ़ता है उसको? देखिए, लोग की बात ये है कि महिलाओं के लिए ये छोटे मोटे जो घटनाएँ होती है ना, ये सारी मानसिक संतुलन पे निर्धारित होती है। तो जो हमारे घर से या जो पेरेंट्स या माता पिता जो सिखाते हैं, जो बच्चा पनपता है या उसकी कुछ पालन पोषण में या कोई कमी रह जाती है या कुछ उसको समझ में नहीं आती है, ये मान के चलिए कि हमारे संस्कार है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी कोई लकुना रह जाता, कमी रह जाती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार का भी साथ देते हैं तो संसार और संस्कारों के साथ चलते हुए वो ऐसी घटनाएं हमारी रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मुख्यमंत्री के परिवार से आप हैं, उनकी बहन, तो राजनीति पर आपका क्या विचार है? राजनीति में महिलाओं की खास करके भागीदारी और युवाओं की भागीदारी को लेकर के आपका? मेरा तो यही मानना है कि महिलाएं जैसे बहुत ही कम आती हैं राजनीतिक क्षेत्र में, और
और जैसे 33% का है महिलाओं का, तो उनको पूरा योगदान मिलना चाहिए क्योंकि महिलाएं समाज को सशक्त बनाती हैं। बेटी का भी रोल करती हैं, वो का रोल करती हैं, कोई कोई अच्छी माँ का रोल करती हैं, पत्नी का रोल करती हैं, तो उनके पास वो सब सामर्थ्य होता है कि वो एक देश की सोसाइटी का निर्माण करती हैं, तो देश को भी निर्माणित कर सकती हैं। महिलाएं चाहे किसी फील्ड में क्यों ना हो, हर फील्ड में वो अव्वल रहती हैं, चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो या फिर कोई एजुकेशन का फील्ड हो या कोई लीगल फील्ड हो या फिर जैसे कोई हमारी पहली जो हमारी एजुकेशन की जो पहली टीचर थी जो सावित्रीबाई फुले, उनको नमन करती हूँ। उस टाइम भी वो सोशल वर्क करती थी, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती थी। और आज के युवा जो आपने पूछा, तो हम भी यही चाहते हैं कि आज युवा को भी इतना ही योगदान मिलना चाहिए ताकि वो इस स्टेज पे आके अपना उनका इतना समर्थ होता है कि कहीं जाकर के काम कर सकें। और कहीं जाते हैं तो उनकी जब भी सुनवाई होती है वो थकते या नहीं है या उनको कोई ऐसी कोई वो नहीं आती और जल्दी ही हमारे समाज को एक नई दिशा मिलती है। उकलाना जैसे क्षेत्र में जैसे आज का ये कार्यक्रम रहा है आपका बेटी सम्मान समारोह, एक यहाँ के युवा साथी जो राजनीति में सक्रिय हुए हैं पंकज, जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा स्टेप वो एक अच्छी मानसिकता के साथ उठाया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पंकज जी को शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अपना सोशल वर्क करते हुए राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बेस्ट विशेष देती हूँ क्योंकि उनके काम को परखा जाए और वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और समाज में अच्छा कार्य कर सकते हैं। जो अपनी माँ बहन और अपने सोसाइटी को सम्मान देता है, तो दरअसल वो पूरे सोसाइटी को सम्मान देता है, पूरे देश का निर्माता होता है। तो ऐसे ही हुआ अगर आगे आते हैं तो हम उनको बढ़ चढ़ करके उनके साथ सपोर्ट करते हैं और उनकी शुभकामनाएं देते हैं कि राजनीतिक में आने से उनको एक स्टेप मिलता है, कदम मिलता है ताकि देश की सेवा के साथ साथ समाज की, सोसाइटी की और अपने शहर में रहने वालों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, तो आजकल हमारे पढ़े लिखे जो युवा होते हैं वो सुनते हैं और उनका निवारण करने की भी कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक निवारण भी करते हैं। वीना अरोड़ा एक सामाजिक कार्यों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण में अपने आप में एक बड़ा चेहरा बन चुका है, क्या मौका मिला तो कभी सक्रिय राजनीति में भी आ पाएंगे? राजनीति में आने का अभी तक तो कोई विचार नहीं था, लेकिन पिछले कई सालों से मैं सोशल काम से जुड़ी हूँ, बेटियों से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गाँव से बिलोंग करती और मेरा आना जाना शुरू से रहता है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो काम हम अपने आप से नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कई चीज़ों की कमी होती है, कहीं जाना जा नहीं सकते या तो सब जगह पहुँच नहीं सकते, तो राजनीति के कैंसर क्षेत्र है कि आप कहीं पर भी इसके जा सकते हो और ज़्यादा सेवा कर सकते हो समाज की। अगर ऐसा कोई मौका मिलेगा तो हम ज़रूर चाहेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।